ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਕਰ ਲਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਢਾਲਵਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਕ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। पटियाला च रहने वाले नौजवान ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। कहा जा रहा है कि लड़के किशन ने आत्महत्या की है। पुलिस ने परिवार के बयान के आधार पर तीन व्यक्तियों खिलाफ धारा 306 तहत केस दर्ज कर लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए थाना तड़िपड़ी के इंचार्ज ने दसाया कि मृतक के परिवार वालों के बयान के आधार पर तीन लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसे हर रोज तंग परेशान किया जाता है। लैन देन लैके जानों मारन दी धमकियां दी जा रही सन, जिस करके उसने यह कदम चुकया। शिव कुमार जी, वो बेटे का कोई मोबाइल की दुकान थी, पैसे का कोई लैन देन थी, लै जाते उधार वो लै लैंदा सी, ये लै लैंदा सी, उस करके प्रेशर है दस रहे थे दस पैसे दे। होया तो कोई नहीं, प्रेशर कर रहे थे, पता नहीं फिर उन्हें कमरे चुके। कौन सी जो प्रेशराइज करते थे? कौन सी? एक ट्विंकल थी, यतिन ते सन्नी। ये बंदे की काम कर दे रहे? यार दोस्त आए थे, पर काम तो पता नहीं, मैंने तो जान दे 26-27 साल है। हाँ, मोबाइल का दुकान है, मोबाइल की दुकान है। हाँ, सवेरे किता है, कल धमकी देन आया सी मुंडा, ट्विंकल घर भी आया भी मेरे पैसे देने ने, अस क्या दे दोगे? हाँ, ना कोई नहीं। सवेरे मैं 7 बजे गया कोठे ते, थल ऊपर सौंदा सी कल्ले ते देखा था ते ये किता पे सी नहीं छी। हां छी छी। कार्रवाई इंसाफ मिलना चाहिए, धमकियां देंदे सी ओ सानू। हां करवा रहे हैं जी। हाँ 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 हाँ, पुछ ए, मेरा साला खड़ा है, इन्हें कहा सी सारी गलबात हो गई सी भी असी दे दांगे पहली तक। मेरा नाम गुरिंदर है जी, हिंदू है जी। मामला इन्हां दे मामला इहदा लैण देण दा सीगा, मोबाइल वगैरह लैंदे सी, खरीददे सी, देंदे सीगे, उधार लै जांदे सी, देंदे सी। सानूं नहीं पता भी इन्हें देने सीगे, असी जिहदे दे देने सी असी दे रहे सीगे, पर सानूं इन्हां नहीं पता भी इन्ना इशू बन जाएगा। कल दोपहर नूं इह 1:30-2 बजे जाके आया ट्विंकल दुकान पर, वो मूवी है जी, हैगा जी, मूवी हैगी वो अपने को। उस तो बाद शाम को आ गया अपने को 5:30। हाँ, घर आया भैन मेरी, ट्विंकल आया जी, बैठ के गल हो गई। फिर कहना नहीं जी, मैं हाफड़ व्याज होकर भज गया। फिर उन्हें फोन किया सानू, फिर मेरी भाण जी ने, लक्की की भैन ने, इन्हू कहा भी तू एक महीना रुक जा, आप बैठ के करांगे। पर कहना नहीं जी, मैं बैठना नहीं, मैंने तो पैसे चाहिए अज ही दे। 3-3.5 दिन का सी जी, वाकई कोई पता नहीं सर जी। रात उन्हें सुसाइड कराया जी, हूँ पता नहीं। मैं तो आया जी, मैं तो सीधा ट्विंकल के घर चला गया जी, मुंडे के घर, जब तक वो सीगा उन्होंने भजाता पिछों घर जाने। हाँ जी, भजे हुए 3 बंदे हैं जी। बचित्र जी, तुम थाले चाहे हो, की मसले की मसला की इतने आए हो? मसला तो जी बहुत मंदभागी घटना हुई है। मेरे बेटे का साला था कृष्ण सेकिया, बहुत साहू अच्छा साढ़ा, पर वो अज चला गया। बहुत बड़ी घटना हुई है। की होया जी, की पूरी पूरी गल दसो, कितना की होया? गल तो नहीं, परिवार से जिवें पता लगी है भी बच्चे का, किसी बच्चों का मुंडिया नाल यारों दोस्तों नाल लैण देण से बिजनेस के पिछे, किसी तो पैसे ब्याज पर लए ने, वो ब्याज के पैसे प्रॉपर मोड़े नहीं गए, लेट हो गए, तो उन्होंने मुंडे ने थ्रैट किया। कल घर भी आए, वो मुंडे के किसी के माँ मम्मी डैडी भी घर आए, तो इन्होंने मम्मी डैडी ने बेनती करी भी सानू एक महीना दे दो, थोड़े पैसे हाथ बन के बेनती करी भी थोड़ा मोड़ दो। पर उस बाद भी उन्होंने फिर थ्रैट किया बच्चे को, बच्चे ने नहीं बर्दाश्त किया, तो वह माड़ी घटना। कौन कौन लोग से जो घर आए थे कल? मैंने बाई नेम नेम तो नहीं पता, 2-3 मुंडे ने, वो डैडी ने बयान दिते FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ,
उन्होंने सज़ा होनी चाहिए है, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। किन्ने बंदे से जिहड़े धमकी दे के गए सी? ਉਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਤੀਆ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 306 IPC ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਤਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੀਟਾ ਟਵਿੰਕਲ ਟੀਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਖੂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਅਜੇ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 3.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।